Acha, so we were when we spoke over the phone. So basically, there's a friend of my dad who recommended you to us, and he said that there's a woman who's who's an activist. She works for an NGO, jo ke social media ke upar, jo ke bahut sari ladkiyon ko kafi zyada log blackmail karte hain and all of that. You are into that, and you represent them one way or the other. So it sounded very interesting to me. I actually wanted to have somebody over like yourself for a long time and discuss ke kis tarah ke aapke paas log aate hain jo ke basically aapko kya bolte hain ke like somebody's blackmailing kya us cases and, aate hain, kya and how do you and how do you deal with something like that? Okay, so Shahveer, abhi to pichle koi 5 saal se 2016 se we have a cyber harassment helpline which is a टॉल फ्री हेल्पलाइन, पाकिस्तान की पहली हेल्पलाइन जो कि साइबर हरासमेंट को एड्रेस करती है. लेकिन उससे पहले भी चूँकि इट्स बहुत रेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान में ऑनलाइन स्पेस के मामलात को उस पर बात करती हैं. एंड माय फोकस वाज ऑलवेज ऑनलाइन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. फॉर इंस्टेंस जब कंदील बलोच का भी जब इशू हुआ था तो आर स्टैंड वॉज के हर किसी को आज़ादी होनी चाहिए कि वो इंटरनेट पे अपनी मर्ज़ी से उसका इस्तेमाल कर सके. एंड इफ़ यू रिमेंबर जब वो कंदील कंटेंट बनाती थी तो उसके नीचे जो हेट स्पीच और रेप थ्रेट्स और डेथ थ्रेट्स और इस तरह की जो चीज़ें आती थी, सो वो एक बड़ा कॉमन एक फिनोमेना है पाकिस्तान में कि औरतें अगर सिर्फ अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का इजहार भी करें तो उस पर भी उनको नीचे हेट स्पीच बहुत आती है, कमेंट्स के नीचे या कोई भी बात करें हरासमेंट होती है, ट्रोलिंग होती है, मीम्स बनाए जाते हैं, पूरे पूरे पेजेस होते हैं मीम्स के. तो बहुत सी खवातीन हमें जब रीच आउट करती हैं तो ऑफ़ कोर्स वो ये कहती हैं इस हरासमेंट को कैसे रोका जाए. बट जो ज़्यादा तादाद है लड़कियों की और बाय द वे लड़कों की भी जो हमें रीच आउट करती है, वो ये कहते हैं कि मुझे मेरे प्राइवेट डेटा के ऊपर, मेरी तस्वीर पे या मेरी वीडियोस पे ब्लैकमेलिंग हो रही है. और करते कौन है, जो कि बहुत टाइम पे जो एक्स पार्टनर्स होते हैं, बॉयफ्रेंड्स होते हैं, फियांसेस होते हैं, हस्बैंड्स होते हैं, और फिर उनको समझ नहीं आती उस ब्लैकमेलिंग से कैसे निकलें. सो व्हेन दे रीच आउट टू अस उस वक्त फिर हम उन्हें बताते हैं व्हाट आर द एवेन्यूज दे हैव इन पाकिस्तान. हाउ डू यू डील विद सम ऑफ दैट? सो फॉर एग्जांपल इफ समबडी हैज लेट्स से इफ समबडी हैज अ पिक्चर ऑफ मी दैट आई डोंट वांट ऑन द सोशल मीडिया, सही है? या ये रियल सिनेरियो नहीं है मेरा तो रियल हाइपोथेटिकली. हां, बल्कि हाशिर का, यू मे बी एबल टू हेल्प हाशिर विद दिस. नहीं, डू यू वांट टू डिस्कस? डिस्कस कर सकते हैं लेकिन लाइक फुल वजह नहीं, फुल वजह नहीं बताऊंगा, बट वी कैन डिस्कस. बट हाइपोथेटिकली इफ समबडी हैज माय पिक्चर दैट आई वांट देम नॉट टू अपलोड ऑन सोशल मीडिया, हाउ डू दे, हाउ कैन आई स्टॉप देम? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट यू हैव अ लीगल राइट वेयर यू कैन टेल अ पर्सन दैट यू आर गोइंग टू कमिट अ क्राइम अगर आप मेरी इजाज़त के बगैर मेरी ही तस्वीर को ऑनलाइन अपलोड करेंगे और आपकी उसके पीछे इंटेंशन बुरी होगी, सो मलिशियस इंटेंशन होगी, और ये आपका कानून कवर करता है. सो वी हैव अ साइबर क्राइम लॉ इन पाकिस्तान विच इज़ कॉल्ड प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट. 2016 में ये पास हुआ था और उसमें ये तमाम क्राइम्स हैं. सो फॉर इंस्टेंस अगर आपकी तस्वीर मेरे पास है और आपने सिर्फ मुझसे शेयर की है और मैं आपको बताए बगैर वो इंटरनेट पे लगा दूँ तो दैट्स बेसिकली अ क्राइम, क्योंकि मैं आपकी कंसेंट के बगैर वो तस्वीर लगा रही हूँ. या अगर मैं आपको ब्लैकमेल करती हूँ कि मेरे पास आपकी तस्वीर हैं और आपने अगर सर्टेन चीज़ें ना की तो मैं इसको वायरल कर दूँगी इंटरनेट पे. एंड इवन दैट्स अ क्राइम, किसी को ब्लैकमेल करना, मतलब वायरल करना इज़ वन एक्ट. बट द लॉ इन पाकिस्तान डू यू थिंक actually helps and prevents and protects the people? For example, it's easier said, so yeah, stating the law is one thing, but practicing the law as we know in this country is a completely different ball game. So what happens is everybody talks about all of these things, okay, you are protected, you are this, you are that. This also gives people the understanding ke yaar kuch nahi hota, bhej dete hain tasveer kyunki we are protected by the law. So you also have to be very careful. There needs to be like a balanced discussion about ke first of all doing it is completely different, which nobody should send their sensitive pictures online, put it on social media, because I'm going to tell you, I can guarantee you, I've done enough research on this, that once it's on the social media, even on platforms like WhatsApp, who claim ke wo end to end encryption hoti hai, wo privacy nahi hoti. There are people who can access those photos, so you should probably never share your sensitive data
online, such as pictures, videos, stuff like that, and it's very easy to share them because it feels good, yeah, more or less for the people who are doing it. So don't do that. But if you are in that cycle, jahan ki aap kar rahe hain, toh there are laws who can protect you, and Nigat is gonna tell you more about it. So continue, please. Yes. Yeah. So. जो आपने बात की कि हमें बैलेंस रखना है कि कानून तो हैं बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि कवानीन हैं बट इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से बहुत से लोग दे इजीली गेट अवे विद द क्राइम दैट दे डू. जी कंटिन्यू, सॉरी वी हैड गेस्ट्स पासिंग. नो दैट्स फाइन. तो लेकिन उन कवानीन के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोगों को यही लगता है कि पाकिस्तान में कवानीन है और इम्प्लीमेंट नहीं होते, जो किसी हद तक बात ठीक भी है, लेकिन जब तक हम बात नहीं करेंगे तो किसी को क्या पता लगेगा कि कानून है और वो इसकी गिरफ्त में आ सकते हैं. तो बहुत से लोग, पढ़े लिखे लोग, जानते बूझते हुए ब्लैकमेलिंग का साइकिल जारी रखते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा. और मेरे ख्याल में इस तरह की कन्वर्सेशंस जो हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं ताकि लॉ इन्फोर्समेंट को भी पता हो कि अगर लोग बात करें तो हमसे तवक्को रखते हैं कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन हमने करनी है. तो मेरे ख्याल में बात करना वो भी ज़रूरी है, लेकिन पुश करना भी ज़रूरी है रियासती इदारों को कि भाई आप इम्प्लीमेंट करें, कानून बना के भूल जाना तो बात नहीं है. blackmailing experience a little because iske sath bhi ek aad scene ho chuka. You don't know this? Mere sath ye scene hua tha ke main mere dost the pehle kafi like aaj se 4 saal pehle to unke sath main trip pe gaya tha, wahan pe kuch unhone aisi videos bana di meri aur ki kya discuss karo na kya videos banayi. Videos ladkon mein hum jo shugal kar rahe the lekin unhone wo videos aisi banayi ke jo like social media pe nahi sahi इस तरह की वीडियोस थी, लेकिन हम सारे लड़के ही थे, लाइक कोई इस तरह का कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने वीडियोस बनाई मेरे से ज़बरदस्ती. लाइक वो वीडियो जो बनी थी वो ज़बरदस्ती बनी थी, उन्होंने ज़बरदस्ती एक वीडियो बना दी. और उसके बाद मैं गया तो घर, लाइक उसके 2 साल बाद उन्होंने कोई कुछ नहीं कहा, मुझे कोई मैसेज नहीं आया. जब मैं इनके साथ आया थोड़ा लाइक मशहूर हुआ तो उसके बाद वही है, वो एज अ दोस्त था जो दोस्त मुझे कहता था, उसने मुझे कहा कि मुझे प्रमोट करो या फिर मैं तुम्हारी वीडियोस लीक कर दूंगा. और मैं उसकी वजह से इनसे डर डर के बात नहीं करता. मैंने कहा कि शायद ये कहीं बुरा ना मना जाए कि भाई इस तरह की वीडियोस हैं, तो मैंने इनसे डिस्कस किया, इन्होंने मुझे लाइक समझाया सारा, इन्होंने कहा चलो. फिर उसके बाद मैंने आगे एक हमारा दोस्त है उसको कहा, उसने आगे से अप्रोच लड़ाई, फिर उसके बाद वो यू नो हाशिर वाज इन अ पोजीशन. मैं ये बताऊं ना, क्योंकि वी डिडंट फाइट दिस थ्रू द लॉ, हाशिर वाज इन एन इन्फ्लुएंशियल पोजीशन वेयर इसके कुछ दोस्त ऐसे हैं, मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मसला सॉल्व करा दिया, ठीक है. लेकिन लेट्स से कि ये कोई आम बंदा होता जिसके पास वो इन्फ्लुएंस नहीं है, अब उसके साथ ये मसला होता तो वो क्या करे? बिल्कुल. वो किसको कॉल करे? सो दो तरीके. आपको कॉल करे? नहीं. आपका फोन नंबर मैं नीचे लिख दूंगा. आप बेशक हमारा साइबर राइट नाउ साइबर हैरेसमेंट, अगर आपको नींद नहीं आ रही कॉल निगत राइट नाउ साइबर हैरेसमेंट हेल्पलाइन का नंबर ज़रूर बताएं. मेरा नंबर ना दें, ये ना हो कि मुझे भी साथ में ट्रोलिंग हो रही हो. तो ये ज़रूरी है कि लोगों को पता हो कि किनको रीच आउट करें, ठीक है. सो साइबर हैरेसमेंट हेल्पलाइन है जिसका नंबर है 0800-393-393. इट वर्क्स 5 days a week, मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 PM. लेकिन मेरे ख्याल में शाविर ये बहुत ज़रूरी है कि चलें, हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हमने साइबर हैरेसमेंट हेल्पलाइन बनाई. उसका मकसद ये था कि आप रियासती इदारों को मदद कर सकें, हकूमत को मदद कर सकें इस इशू पे काम करने के लिए. असल जिम्मेदारी बनती है आपकी लॉ इन्फोर्समेंट की. जब कानून बनते हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी कि वो कैसे लोगों को इंसाफ मुहैया करें. सो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि जब एक औरत या हाशिर साइबर क्राइम विंग जाए तो इसको पता हो कि मैं यहाँ पर कंप्लेन मैंने दर्ज करानी है और इतने अरसे के बाद मुझे इंसाफ यहाँ पर मिल जाएगा. लेकिन अभी कमियां हैं, बहुत सी कमियां हैं. आपके पूरे मुल्क में 200 मिलियन की आबादी में कितनी इंटरनेट पेनिट्रेशन है वैसे पाकिस्तान में, कोई आइडिया है आपको? आई हैव नो आइडिया, बट मुझे याद है कि मैंने 2017 के अंदर मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, एंड एट द टाइम वाज 20%. उस वक्त 20%, लेकिन आपको पता है कोविड के बाद ये 30% से ऊपर चली गई है. मोस्ट प्रोबेबली इससे भी ज्यादा होगी, बारिश दोबारा से शुरू हो गई और ये पेनिट्रेशन पानी की मेरे वाटर के अंदर मेरे लैपटॉप के अंदर जाती जा रही है. तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है. आई विल सू यू. अच्छा सॉरी कंटिन्यू. तो अब इंटरनेट पेनिट्रेशन ज्यादा हो गई है, लेकिन आपके पूरे पाकिस्तान में कोई 15 के करीब साइबर क्राइम विंग है.
तो आप मुझे बताएं कि अगर कोई औरत किसी देही इलाके से है और उसको इस वक्त साइबर हरासमेंट हो रही है या साइबर क्राइम का शिकार है तो वो क्या करेगी? क्या वो मुल्तान जाएगी? क्या वो लाहौर आएगी? क्या वो कराची जाएगी? औरतें तो निकलती ही नहीं है ना, बहुत सी एम्पावर्ड औरतें भी नहीं घरों से निकल सकती करीबी थाने में जाने के लिए। तो ये अब है कि आपके कितनी हुकूमती कितनी हुकूमत का कितना फोकस है कि पूरे पाकिस्तान में साइबर क्राइम विंग्स हों जो कि इस मामले को एड्रेस कर सकें। बेसिकली अभी हम लोग वी आर स्टिल फाइटिंग साइबर, तो खैर एक नेक्स्ट स्टेप है, साइबर लॉज आर द नेक्स्ट स्टेप, वी आर स्टिल ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट द अदर लॉज द ट्रेडिशनल लॉज। तो जब तक ट्रेडिशनल लॉज ही इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं तो साइबर तो फिर भी चलो एक बात की बात है। ऑल्दो द वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट, द होल पॉपुलेशन इज कमिंग ऑन द साइबर वर्ल्ड द इंटरनेट, सो दे हैव टू काइंड ऑफ मेंटेन लॉज ऑन द इंटरनेट एज वेल, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।